हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन, लाडवा और थानेसर की अनाज मंडियों का दौरा किया। बाबैन अनाज मंडी में मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और किसानों से बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ लाडवा से विधायक चौधरी मेवा सिंह भी थे। वहीं आढ़तियों ने सरकार की गलत नीतियों के चलते गेहूँ न तोलने का फैसला किया है, इस बारे में भी चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से आढ़तियों के साथ जल्दबाजी खत्म करने की अपील की। बाबैन के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। सरकार ने दावा किया था कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीद होगी। सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार ने दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर किसानों को पेमेंट मिल जाएगी। अभी तक किसानों के खाते में पेमेंट भी नहीं गई है। 9% ब्याज देने की जो बात सरकार ने कही थी, अब देखते हैं वह किसानों को ब्याज मिलता है या नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद तो शुरू हो गई है, अभी तक किसानों का पैसा नहीं मिला है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर सरकार लाठी गोली चलाकर किसानों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। लाठी गोली चलाकर सरकार नहीं चलती। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर हमला और किसानों के गिरफ्तार करने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जल्दबाजी में गिरफ्तार किसानों के ऊपर धारा 307 लगा दी है, यह गलत है, इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। पहले जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद धारा लगानी चाहिए थी। खाद और डीजल की कीमत कितनी बढ़ा दी है कि किसान खेती करें तो कैसे, लोगों का विश्वास खो चुकी है आज के समय में भाजपा सरकार। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा प्रदेश की कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत अनाज मंडियों के दौरे पर निकले हुए हैं और इस दौरान वह आढ़ती और किसानों से भी मुलाकात कर रहे हैं। मंडी गया और लाडवा अब कुरुक्षेत्र पहुंचा, यहाँ किसानों से भी बात हुई मेरी और आढ़तियों से बात हुई और मजदूरों से भी बात हुई। जो आज जिस किस्म का सिस्टम बनाया है, तीनों जो है परेशान हैं, बहुत खफा हैं, क्योंकि पोर्टल से जो है 16 लाख किसान हैं आज हरियाणा में, बिना की रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है, 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। और अब भी ये बात आ रही पोर्टल का भी कुछ होना इतना कभी कुछ होना बल्कि कुरुक्षेत्र में तो ये बताया एक किसान का अकाउंट नंबर ही बदल गया, ऐसे ये सिस्टम जो है ये फेल सिस्टम है। और आढ़तियों को कहें ये बिचौलिया है, बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। हमने पहले भी कहा था और शायद आढ़तियों का फैसला भी हुआ था इसी प्रकार से, तो किसान की मर्जी में छोड़ दो, किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे सीधा ले, जो आढ़ती ढूंढना चाहे आढ़ती हो, ताकि वे, क्योंकि मजदूर अब कैसे मजदूरी लेगा, पहले तो आढ़ती ठेकेदार बनाते हैं अपने, सीधा आढ़ती से लेते मजदूरी दे देते थे, अब उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है, उनकी मजदूरी का कैसे हिसाब होगा। अब जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा, तो क्या करेगा वो, अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर पैसे जाएगा मंडी में लाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा, नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी किसान अपनी आड़ती भी ले आता, बारिश होती तो आड़ती तिरपाल भी लगाता उसके ऊपर, अच्छी तरह उसका देख रख रखाव भी करता था और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है, खेत में कच्ची जगह छोड़ भी सकता है या पक्की जगह आता था, और वैसे भी मॉइस्चर जो कि 14% 12% ले रहे हैं, और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर लगा के देखा तो 11 था और भिंडी नहीं उठाई जा रही थी, और जो ये वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आया, सरकार का बयान आया, 3 तारीख से जाग उठी, 1 तारीख से 3 तारीख को जाग उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है। और अब इसी सीजन नहीं, पिछले सीजन की आढ़तियों के ऊपर जो बात थी उनकी पेमेंट नहीं आई,
तो हर वर्ग जो है इस सिस्टम से परेशान है, जो वायदे इस सरकार के खोखले सिद्ध होते जा रहे हैं कि ना किसान के हित के, ना मजदूर के, ना आर्थिकों के। तो मेरा सरकार से आग्रह है भाई, जो पुराना सिस्टम था उसको चलाएं और ये किसान की मर्जी को छोड़ें। किसान की मर्जी, किसान भी ऑप्शन लें, शायद ली भी होगी पहले, कि जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे वो सीधा ले, जो आरती आरती जरना लगवाता है लगवाता है। अब मॉइस्चर भी कम कर दिया और जो टूट का मात्रा भी कम कर दी, और आज इसका खाद का भाव, जो डीएपी का भाव 1200 कट्टे 1900 कट्टा कर दिया, जो एनपीके का भाव जो आसपास होता है इसका भाव 1135 था तो 1700 कर दिया, 60% 50% खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल का अंत नहीं, और बिजली का 2 महीने की बिजली की गारंटी इरेवोकेबल नॉन रिफंडेबल, जो बिजली है बिल्कुल गारंटी। हर हिसाब से महंगाई इस प्रकार से कमर तोड़ रही है आम आदमी की। किसान की तो लागत जो है वो पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं, लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। भारतीय वैसे व्यापारी वैसे परेशान है, तो गए हमारी मुनाफा तो गया दूर, बचत तो गई दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कब तक खाएंगे हम अपनी पूंजी। हर वर्ग परेशान है, मजदूर कह रहा है समय पर मजदूरी में तो रोज काम करता है, रोज दिहाड़ी देता है, जब उसका काम चलता है कितने दिन तक इंतजार करेगा, कल तो आरती देता था। तो आपके सामने है कि आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से, वायदे खोखले हैं। जो 23-3 तारीख को उनका गेहूँ किसान का खरीदा गया, आज तक उसको पेमेंट नहीं मिली, 9% ब्याज कौन देगा। और जो किसान मैसेज के इंतजार कर रहा है, उसका पहले अपने घर लेके जाएगा, फिर घर से मंडी में लाएगा, 10 दिन के बाद उस पर जो खर्चा है, उसको जो खर्चा बाहर जो लॉजिस्टिक है वो किस पर पड़ेगी, और जो मान लो आपका कहते हैं सीलों में भी ले जा सकते हैं, सीधे सीलों में ले जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको कौन देगा। ये सरकार की कोई समझ से बाहर मामला है, ये तो पूरी उस तरह से इसको करते ऐसा काम करें जो किसान के हित का हो, तो आरती के हित का हो और मजदूर के भी। अड़ती हड़ताल पर बैठे हैं सर, क्या कहेंगे? अड़ती है ना जो हड़ताल पर बैठे, पिछले साल तक अब पेमेंट नहीं मिली, और अब भी जब ये फैसला कर दिया था इससे सरकार ने, फैसला हो गया था कि किसान की ऑप्शन छोड़ो, इस बात से सहमत है, ये किसान की मर्जी छोड़ो, छोड़ना भी थी। ये मेरा भी पहले पिछली बार भी मेरा बयान आया था कि किसान की मर्जी पर छोड़ दो, वो अगर सीधा पेमेंट लेना चाहे सीधा ले लें, आरती ले जाए, आरती तो एक किस्म से जो हरियाणा पंजाब और ये इलाका है उसमें आरती तो एक किस्म से ATM है, उसका सहयोगी है, तो बिचौलिया नहीं है ये। तो इस वास्ते एक दूसरे का दामन चोली का साथ है, उनके दोनों का फायदा, सारे वर्गों का फायदा है, किसान को फायदा है, मजदूर को फायदा है, आरतीयों को फायदा है, तो वो नीति को अपनानी चाहिए। हुड्डा साहब, कल शाहबाद के अंदर 4 किसानों के ऊपर 307 धारा लगाकर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसके दर्ज? देखिए मेरे को पूरा वो नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना प्रजातांत्रिक अधिकार है सबका, विरोध करना अधिकार है सबका, लेकिन गरिमाएं रखी जाती है। अब गरिमाएं मेरे को उसका पता नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, किसी ने ऐसा कदम उठाया रखा था, लेकिन 307 का तो मायने नहीं पता। सर, नैब सैनी की गाड़ी को तोड़ा गया था, गाड़ी ने धक्का लग गया, मारा हुआ। मैं इस बात का पेशी नहीं, 307 थोड़ी बनाते, मैं गरिमाएं क्रॉस बार की जाए उसका नहीं हूँ, प्रदर्शन का, विरोध का, सब गरिमा प्रजातंत्र की उसमें होना चाहिए, लेकिन मेरे को उस इंसिडेंस का पता नहीं है। तो इतना मैं समझ सकता हूँ, 307 जो है अगर शांति प्रिय प्रदर्शन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो ये उनका अधिकार है। तो सरकार जो है इस तरह लाठी से, मुकदमों से ऐसे दबा नहीं सकती है। सर, अब भाजपा ने फैसला कांग्रेस पार्टी की, अपनी विफलताएं दूसरे पे बहुत आसान होता है कहना, कांग्रेस कभी इस नीति पर नहीं चलती। सर,
भाजपा जो है अब कार्यक्रमों में अपने मंत्री और जो दूसरे उनके सदस्य हैं उन्होंने साफ कह दिया कि वो कार्यक्रम करेंगे, तो क्या लगता है आपको जब माहौल इस तरह से हो तो क्या इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? वो तो उनको उनको सोचना है, उनको आत्म मंथन करना है कि ऐसे हालात क्यों हुए, जनहित के फैसला लेंगे तो कभी अभी तक उनके भाई डेढ़ साल पहले तो 10 की 10 सीट जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी, एक साल सवा साल पहले सरकार बनी है, तो उनको मानथम अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, फैसले ठीक लेंगे तो ऐसा नहीं है कोई। और मुख्यमंत्री जो हालात जो है वो उनके हैं, सरकार विफल सरकार है, आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया हरियाणा, आज कानून व्यवस्था में चरमा आ गया, आप कोई चीज देखो और महंगाई कितनी बढ़ रही है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है, उनका जीवन दुर्लभ हो रहा है। सर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे संयम को कमजोरी ना समझे, तो क्या मानते हैं आप, इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? धमकाने की कोशिश कर, ऐसा है धमकियों से कभी लोगों को नहीं होता संयम, तो लोगों को आप देख रहे हो 4 महीने हो गए इतना शांति प्रिय मैंने तो अपने जीवन में आंदोलन देखा नहीं है, या आप में से किसी देखा तो बताओ। किसानों का सहयोग करना चाहिए, उसको प्रयोग वो तो प्रयोग कर रहे हैं भाई, मेरा इस सरकार से आग्रह है किसान के ऊपर प्रयोग नहीं सहयोग करो उसका। हाँ जी धन्यवाद आपका।